वर्ल्ड स्नेक अवेयरनेस डे सेलिब्रेट करते हैं। टुडे वी सेलिब्रेटेड फिफ्थ वर्ल्ड स्नेक अवेयरनेस डे। आज हमने पांचवा वर्ल्ड स्नेक अवेयरनेस डे। मित्रों, आज एक महत्वपूर्ण दिवस है। 11 अप्रैल को हम वर्ल्ड स्नेक अवेयरनेस डे सेलिब्रेट करते हैं। टुडे वी सेलिब्रेटेड फिफ्थ वर्ल्ड स्नेक अवेयरनेस डे। आज हमने पांचवा वर्ल्ड स्नेक अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया। इसके पीछे एक ही उद्देश्य है। ये उद्देश्य यह है कि हम लोगों को सर्प के बारे में जानकारी दें, जिससे कि सर्प दंश से बचें। पूरे भारत के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये संदेश जाना चाहिए कि हम सर्पों के बारे में जनजागृति पैदा करके हम सर्पदंश से बच सकते हैं। साथ ही हम सांपों को भी बचा सकते हैं। सांपों की जानकारी देकर हम सांपों को बचा सकते हैं, क्योंकि एंटी स्नेक वेनम तो सांप से ही बनता है। जो दवा है जो चिकित्सालय में मिलती है, जब भी सर्पदंश के द्वारा स्नेक बाइट हो तो हमें तुरंत सरकारी चिकित्सालय में जाकर उसका इलाज करना चाहिए। आज होटल रेनबो के अंदर पांचवा स्नेक वर्ल्ड अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया गया और नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस इंडिया तथा सर्प मित्र व पुलिस मित्र टीम श्री अमित भट्ट जी और राजेंद्र वच्छानी जी, इनके सहयोग से हमने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, जिसमें भारत और विदेश से बहुत सारे लोग जुड़े। भारत से काफी लोगों ने ऑफलाइन भी इसमें जुड़े, विदेश से अफ्रीका से डॉक्टर लेगेसी, डॉक्टर उलरी जर्मनी से, रोशन यादव जी नेपाल से, बहुत सारे अन्य विशेषज्ञ भी हमारे साथ में जुड़ते गए। मैं समझता हूँ कि इस कार्यक्रम के जरिए हम लोगों तक ये संदेश पहुँचाएंगे कि हमको सांपों से डरना नहीं चाहिए, सांपों के प्रति जागृति रखनी चाहिए और जब भी सर्प दंश हो तुरंत अस्पताल जाना चाहिए।